न्यूज के साथ मैं हूँ निमरा अहमद और मैं हूँ अनम शेख। शामिल करेंगे अहम हेडलाइंस। मीज़ान कॉलेज खानेवाल कैंपस में उसाज़ा के एजाज में इशाइया का अहतमाम किया गया, जिसमें खानेवाल के तमाम निजी और सरकारी हाई स्कूल्स के प्रिंसिपल साहबान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर ऑपरेशंस मीज़ान ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उस्मान पीरजादा ने कहा कि मीज़ान कॉलेज खानेवाल में एक ऐसा तालीमी माहौल फराहम करने जा रहा है जिसे तादेर याद रखा जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि मीज़ान कॉलेज खानेवाल के रोशन मुस्तकबिल में अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। खबर शामिल करते हैं बाग आज़ाद कश्मीर से। वाइस चांसलर वीमन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद ने ब्रिगेड कमांडर साजिद अमीन की दावत पर 6AK का दौरा किया। बाहमी मुलाकात में आज़ाद कश्मीर बिलखसूस बाग में तालीमी इदारा जात वीमन यूनिवर्सिटी बाग के तामीर होने वाले कैंपस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ब्रिगेड कमांडर ने वाइस चांसलर को ई बुक्स के हवाले से ब्रीफ करते हुए बताया कि सोशल मीडिया मोबाइल के इस्तेमाल में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसमें ई बुक्स को शामिल करना मजीद कारगर साबित होगा। बाद अजां वाइस चांसलर ने कॉन्फ्रेंस हॉल का दौरा किया, जिसमें कश्मीर वाल के क्याम के अलावा बाग में बेहतरीन सहूलत की फराहमी, जिसमें बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा सकता है। वाइस चांसलर ने ब्रिगेड कमांडर के वीएन को सराहते हुए सोशल सहूलियात की फराहमी के अमल को खराज तहसीन पेश किया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सब कैंपस दीपालपुर ओकाड़ा में रोड सेफ्टी के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के शुरका का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करने की वजह से हर साल 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो जाते हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद में 90% से ज़ायद की उम्रें 14 से 29 साल के दरमियान होती हैं। ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह इंसानी गलती है। प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक अजीज़ ने नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। शौकत चंगेज़ी ने कहा कि ख्वातीन मर्दों के शाना बशाना हर साल हादसाती अमवात घटाने में अहम किरदार अदा करें। उन्होंने लाइसेंस के बगैर तलबा को ड्राइव करने की शदीद मजम्मत की। सलमान मंशा असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने एन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सफाई के हवाले से क्या इकदाम किए गए और तहसील हेडक्वार्टर पर सेहत के हवाले से क्या इकदाम। जी सर, हाँ जी, ऐसा है कि जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट से हमें हदायत मिल रही है, हम डेली बेसिस पे एमसी का बल्दिया का अमला जो है वो बाजारों में गलियों में जाकर सफाई कर रहा है। मैं खुद उसको मॉनिटर कर रहा हूँ और सेहत के हवाले से आजकल जो हीट वेव का चूँकि बड़ा दौर पड़ा है, तो उस हवाले से हमने हर अस्पताल में एक काउंटर बना दिया हुआ है और हमारे पास जितने सी यूनिट्स हैं एक सफदराबाद में है, दूसरा खानका डोगरा में, तो उन दोनों जगह पे जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के और रेस्क्यू 112 के और म्यूनसिपैलिटी का अमला जो है वो हर वक्त मौजूद रहता है, ताकि किसी भी हादसे की सूरत में या किसी भी बंदे को कोई लो लगती है या कोई मसला हो जाता है तो फौरन वहाँ से चेकअप करवा सकते। और दूसरा, हमने जगह जगह पर पानी की सुविधाएं लगवाई हुई हैं ताकि लोगों को जो है ना पीने का साफ पानी आसानी से मुहैया किया जा सके। सर, हॉस्पिटल का विजिट किया है, वहाँ पे मरीजों ने यही बताया कि मेडिसिन की फ्राहमी के लिए जो है डॉक्टर 22 से ज़्यादा नुस्खा लिखते हैं, जो हॉस्पिटल में थोड़ी सी बहुत नहीं है। चलिए जी, मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ, तो उनके स्टॉक को भी चेक कर लिया जाएगा। डेफिनेटली जो स्टॉक उनके पास है वो वाली मेडिसिन दे सकते हैं, जो मेडिसिन उनके पास होगी तो वो पैसे दे सकते हैं, वो डेफिनेटली कृपाश ही हो लिखते हैं। जी, ये थे असिस्टेंट कमिश्नर सलमान मंशा साहब, जो अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ हसन अब्बास बुखारी, एन न्यूज़ लाहौर। शेखपुरा के करीब भिकी रोड झगड़े में जख्मियों की तादाद 3 हो गई। जख्मियों में मकतूल तैयब का कज़न नईम बाप नियामत और राहगीर मोहम्मद अकमल शामिल हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि मुलजिमान ताहाल फरार हैं।
तहरीक लबैक डिवीजन साहिवाल के अहदेदारान की तहसील ऑफिस में पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। 28 मई को राय अली नवाज स्टेडियम में अज़ीम-उश-शान तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के इंतजाम के मुतलिक आगाह किया। डिवीजन साहिवाल के नायब अमीर अल्लामा माजिद हुसैन रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे वोटों से कामयाब होकर ऐवानों में बैठकर इक्तदार के मजे लूटने वालों को अपनी इज्जत का तो बहुत ख्याल है, मगर जब नामूसे रिसालत की बात होती है तो अक्सरियत दोहरा मेयार अपना लेती है। ज़िले और तहसील इंतजामिया के भरपूर तआवुन पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। समुंदरी में FIA की बड़ी कार्रवाई। थाना सिटी के इलाका कचहरी बाजार में प्राइस बॉन्ड डीलर की दुकान पर छापा। गैर कानूनी तरीके से प्राइस बॉन्ड की खरीदो फरोख करने पर उस्मान नामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान नामी शहरी के कब्जा से 2,75,000 रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड भी पकड़े गए। मुलजिम उस्मान से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जारी कुर्दा इजाजतनामा तलब किया गया तो मुलजिम कोई जवाब पेश न कर सका। FIA की टीम ने मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शेखपुरा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पोलियो सेमिनार और पोलियो वॉक का इंतजाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा में 7 लाख बच्चों को दौरान मुहिम पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, ये बात डॉक्टर राय समीउल्लाह CEO हेल्थ ने एन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कही। पोलियो सेमिनार का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स ने शमूलियत की। सेमिनार में 50 से ज्यादा बेहतरीन फ्रंटलाइन वर्कर को एजाजी इसनाद से भी नवाजा गया। चिन्योट में थाना लंगराना पुलिस की कार्रवाई, जाली पुलिस अहलकार गिरफ्तार। पुलिस को इतला हुई कि एक शख्स रोड पर पुलिस की वर्दी पहने फिर रहा है। जाली पुलिस अहलकार सड़क पर ट्रैफिक रोककर लोगों को परेशान कर रहा था। थाना लंगराना पुलिस ने मौका से जाली अहलकार आसिफ अवल मनसब को हमदर्द के जेर इंतजाम सियालकोट में तिब्बी तालीमी प्रोग्राम के तहत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गुजरांवाला और सियालकोट से तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। गवर्नमेंट ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट में रिसर्च इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर सईद मसूद सैद तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए हकीम मोहम्मद मुस्तफ़ा और तबीबा शायान फातमा ने हमदर्द के बानी शहीद हकीम मोहम्मद सईद की हालात ज़िंदगी और तिब के मैदान में उनकी खिदमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर कौमी तिब्बी कौंसिल के मेंबर हकीम ज़ियाउल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मसूद सैयद हकीम अब्दुल वाहिद ने भी खिताब किया। मदनी मस्जिद ओकाड़ा में एक रोज़ा तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद किया गया। उलमा किराम ने दुनिया आखरत के बारे में बयानात किए और उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान के लिए दुआ खैर की गई। इज्तिमा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DPO के अहकाम पर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम को यकीनी बनाया। डेरा इस्माइल खान में SHO थाना कोलाची शहीद मोहम्मद रमजान खान की नमाज जनाजा एजाज शहीद पुलिस लाइन डेरा इस्माइल खान में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा शौकत अब्बास, स्टेशन कमांडर डेरा और DPO डेरा कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हुसनैन लियाकत समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इब्तदाई मालूमात तहकीकात के मुताबिक आज SHO कोलाची इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान खान बलोच डेरा से वापस थाना कोलाची जा रहे थे कि हथाला के मुकाम पर पुलिस मोबाइल गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए जमान पेट्रोल पंप पर उतरे तो उनके साथ गनमैन भी हमरा था। गनमैन इब्रार हुसैन से अचानक सरकारी गन नीचे गिर गई और लोडेड गन चल पड़ी। SHO रमजान खान को सर में गोली लगी जिससे वह शदीद जख्मी हो गए। जख्मों की ताब न लाते हुए वो उनको DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया और वह जामे शहादत नोश कर गए। कुंदिया के इलाका हेडपका के करीब लोडर रिक्शा ग्रेटर थल नहर में गिर गया। रिक्शा पर सवार दो अफराद ने छलांग लगाकर जान बचाई। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन करके रिक्शा नहर से निकाल लिया। सादिकाबाद के चक नंबर 160B के मजदूर जिम्मेदार के खिलाफ सरापा एहतजाज। मजदूरों का कहना था कि मुकामी जिम्मेदार ने 8 एकड़ कमाद की फसल कटवा कर मजदूरी नहीं दी, पर मजदूरी मांगी तो धक्के मार कर निकाल दिया। हमारे घरों में खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं, नौबत फाकों तक आ पहुंची है। जिम्मेदार बासर होने की वजह से पुलिस ने भी हमारी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की। मजदूर लेबर की आला हुकाम से इंसाफ की अपील। शदीद गर्मी से परिंदों को बचाने के लिए नन्हे मुन्ने बहन भाई के जज्बे ने हैरान कर दिया, इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। मजीद जानते हैं खालिद गुज्जर की इस रिपोर्ट में। जी खालिद बताइएगा।
चूनिया में शदीद गर्मी से परिंदों की भूख और प्यास का एहसास जागर करने के लिए परिंदों को भूख और प्यास से मरने से बचाने के लिए बहन भाई के जज्बे ने हैरान कर दिया। हमें परिंदों का ख्याल रखना चाहिए, उनके अपनी अपनी छत के ऊपर दाने और पानी रखना चाहिए क्योंकि वो इस गर्मी से बच सके। चूनिया के इलाका किला रूपा सिंह के रहायशी बहन और भाई ने इंसानियत की मसाल कायम कर दी है। जहां चोलिस्तान में गर्मी के बाईस पानी की किल्लत से इंसानी जिंदगी मुतासर हो रही है। अपनी अपनी छतों पे दाने और पानी रखना चाहिए इसलिए ताकि चिड़िया और परिंदे भूख से बच सके। शदीद गर्मी में जहां गर्मी की लहर इंसानों को मुतासर कर रही है, दूसरी जानब जानवरों के अलावा परिंदों को भी मुतासर कर रही है। एन न्यूज़ से फिर बस इतना ही, मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए एन न्यूज़।